Friends, welcome to the second part of chapter number 4, sorting out materials. Okay, in first part we will discuss the different topic. Okay, now our next topic is transparency. Transparency के according हम क्या measure करेंगे कि कौन सा object देखने पे कैसे लगते हैं आपको, transparent है या नहीं है. Okay, so you might have played the game of hide and seek. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by other. आपको hide and seek छुपन छुपाई का game आप खेलते ही हैं और आपको देखना है कहाँ से आप देख सकते हैं और किधर से नहीं देख सकते. Why did you choose those places? आप छुपने के लिए अच्छे जगह क्यों देखते हैं? Would you have tried to hide behind a glass window? क्या आप ग्लास विंडो के पीछे छुप सकते हैं? Obviously not. क्यों नहीं? As your friends can see through that and spot you. क्योंकि वहां से आपका जो फ्रेंड है आपको इजीली देख लेगा एंड आइडेंटिफाई कर लेगा. कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल? क्या और ज्यादा मटेरियल के अंदर आप देख सकते हैं? सो दो सब्सटेंस, अब ट्रांसपेरेंट डेफिनेशन क्या है ट्रांसपेरेंट की, दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. यानी कि ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल जिनके अंदर हम इजीली देख सकते हैं उनको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं. एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. शॉपकीपर यूजुअली प्रिफर टू कीप बिस्किट, स्वीट एंड अदर ईटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन इजिली सी दिस आइटम. आप देखा होगा कि अगर शॉप पे जाते हैं तो जो चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, ये जो इजिली हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो सारे के सारे जो आपको किसमें रखते हैं, ग्लास कंटेनर्स के अंदर रख सकते हैं. ऑन द अदर हैंड देर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी. ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर आप इसको देख नहीं सकते. दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक, उनको आप ओपेक कहते हैं. एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट इज कैप्ट इन अ क्लोज वुडन बॉक्स. इस क्लोज वुडन बॉक्स के अंदर क्या रखा होगा आपको नहीं पता कर सकते. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल है वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटीरियल्स. डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटीरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट. बिना कन्फ्यूजन के आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है? तो एक एक्टिविटी से हम समझेंगे. टेक अ शीट ऑफ पेपर, एक आपको शीट ऑफ पेपर लेना है एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब. लाइटेड बल्ब की तरफ उसको करके आपको देखना है. मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. नाउ पुट उसके आपको ऑब्जर्वेशन देखनी है कि आपको क्या देखना है, क्या लगा आपको. ओके, एंड पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट. एक या दो बूंद आप ऑयल की उस पर स्प्रेड कर दीजिए. एंड लुक अगेन, वापस से आप देखेंगे टूवर्ड द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज बीन स्प्रेड. यानी कि जिस पर आपने ऑयल स्प्रेड किया है वो पोर्शन आपको कैसा लगेगा? डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर? आप क्या देखेंगे, बल्ब आपको ज्यादा क्लियर दिख रहा है. बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर? इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल? परहैप्स नॉट. वो नहीं होगा, वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल के अंदर आता है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलूसेंट? द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन. ऑब्जेक्ट्स हम देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट मटीरियल. रिमेंबर द ऑयल पैच ऑन पेपर वैन वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट. अगर फैटी ऑब्जेक्ट है ओके, तो आप कैसे करेंगे, कुछ टुकड़े आप उस पर डाल के स्क्रैच कर दीजिए. ओके, स्प्रेड कर दीजिए, फिर तो देखेंगे आप ऑयली सब्सटेंस उसमें से निकलेगा और जब उसमें से हम देखेंगे तो आपको नीचे कोई चीज दिखेगी नहीं. दैट इज ट्रांसलूसेंट. That was translucent too. Can you think of some more example of translucent materials? आप बहुत सारे examples देख सकते हैं. We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. इस प्रकार से हम materials का group बना सकते हैं. पहली suggested covering the glass of a torch with your palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know whether palm of your hand is opaque, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट. जो पहेली है वो जानना चाहती है कि अगर टॉर्च के पे अपने को जलाकर उस पर अपना हाथ रखना है तो वो किस मटेरियल के अंदर आएगी. वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन द अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स. हमने ये भी देखा इस चैप्टर के अंदर कि देखने पर मटेरियल कैसे लगते हैं, मिक्स करने पर मटेरियल्स कैसे डिवाइड कर सकते हैं उनको हम. दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर, वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, डूब जाते हैं, सिंक हो जाते हैं या फ्लोट करते हैं. और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूटेंट.
ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज. मटेरियल्स को हम सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग और डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स इन एवरीडे लाइफ? वी ऑफन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वीनियंस. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मटेरियल्स को ग्रुप करने की जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे कन्वीनियंस के लिए, कि हमें सुविधा हो जाए. एट होम, अगर हमारे घर में, वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर. हमारे घर में भी हम इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट रखते हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक जगह रखते हैं. सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली. इस प्रकार से वो हमें इजीली दिख जाते हैं. सिमिलरली, अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप. इसी प्रकार से जो ग्रोसर है वो भी एक तरह के बिस्किट्स को सब एक तरफ रखता है. एंड ऑल शॉप्स एट अनदर, वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेज आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेस. और जो ग्रेन्स हैं, पल्सेज हैं, दालें हैं, उनको भी वो अलग जगह पे स्टोर करके रख सकते है अपने कन्वीनियंस के लिए. एंड देयर इज अनदर रीजन, एक दूसरा रीजन भी है व्हाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल. अब ये यूजफुल क्यों है? डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए. एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज. वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस. हायर क्लासेस के अंदर भी हम और ज्यादा इसके डिटेल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो कीवर्ड्स आपके दिए हुए हैं, ये सारे मैंने डेफिनेशंस आपको समझा दिए हैं. आपको सारी डेफिनेशंस भी इसके अंदर लिखनी है. ओके स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर समझ में आ गया हो गया. थैंक यू.